तो फाइनली यहाँ पे मुझे न्यू सिटी मिल चुका है। यहाँ पे न्यू फोन का भी ऑप्शन ऐड किया गया। यहाँ पे देख लो हमारे कैरेक्टर के यहाँ पे न्यू फोन भी देखने को मिल चुका है। यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे चीट कोड डायल करोगे 2000 तो यहाँ पे हमारे जो नोट बार फॉर्चुनर है वो आ जाएगी। इसके अलावा इसको फॉर्चुनर को मॉडिफाई भी आप चीट कोड के थ्रू कर सकते हो। तो आपको मैं करके दिखाता हूँ, आप देख ही पाओगे यहाँ पे नेक्स्ट लेवल की हमारी फॉर्चुनर स्पॉन हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं अगेन चीट कोड डायल करता हूँ 3000 तो हमारा जो है फॉर्चुनर वो मॉडिफाई होकर आ जाएगी। तो लेट्स गो, आप देख ही पाओगे फ्रंट पे बोनेट पे यहाँ पे क्या ही ओपिक भी मॉडिफिकेशन हो चुकी है। तो अगेन मैं न्यू चीट कोड डायल करूँगा तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन और हो जाएगी। तो ये ओपी किस्म का न्यू अपडेट आ चुका है हमारे न्यू इंडियन गेम का। आपको पता नहीं है तो इस गेम का नेम आपको मैं बताता हूँ। तो इस गेम का नेम है इंडियन कार सिमुलेटर 3D प्रो। ये इंडियन ओपन वर्ल्ड गेम और इस गेम में आपको स्कॉर्पियो कार भी देखने को मिल जाती है, हमारी किया सेल्टोस भी देखने को मिलती है और क्या कुछ देखने को मिलता है आज मैं आपको बताऊंगा। बाकी आप देख लो यहाँ पे न्यू सिटी ऐड किया गया, सामने हमारा इंडियन फ्लैग भी ऐड किया गया है और यहाँ पे न्यू फोन भी ऐड कर दिया गया। तो इस गेम का आ रहा है न्यू अपडेट, अपडेट में हमें न्यू हॉर्स भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे मैं चीट कोड जैसे डायल करूंगा हमारा न्यू हॉर्स स्पॉन हो जाएगा। आपको मैं करके दिखा देता हूँ। तो लेट्स गो, यहाँ पे देख लो यहाँ पे हॉर्स आ चुका है। तो फाइनली यहाँ पे न्यू सिटी भी ऐड किया गया, न्यू फोन भी मिल जाएगा, यहाँ पे न्यू हॉर्स भी ऐड किया गया, न्यू फॉर्चुनर कार है वो भी ऐड कर दी गई। तो आपको मैं इस गेम का नेम बता दिया, इस गेम का नेम है इंडियन कार सिमुलेटर 3D प्रो। तो इस गेम का ये न्यू अपडेट आ रहा है, इसके अंदर न्यू सिटी भी ऐड किया गया है। तो पहले जो इस गेम के अंदर मिलते हैं इसके अंदर आपको स्कॉर्पियो कार भी देखने को मिलती है। यहाँ पे आप देख ही पा रहे हो यहाँ पे इस साइड पे इंडियन फ्लैग भी लगाया और ये विलेज एरिया देखने को मिलता है। लेकिन इस गेम के अंदर में सिटी नहीं देखने को मिलता था और आपने स्टार्ट में देख लिया होगा, यहाँ पे न्यू सिटी भी ऐड कर दिया। बाकी यहाँ पे स्कॉर्पियो S11 देख लो क्या ही ओपी किस्म की लग रही है। इस गेम में कैमरा एंगल भी चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है, इस गेम का ग्राफिक्स भी ओपी किस्म के हैं और यहाँ पे मिशन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बाकी इस गेम के अंदर और कौन सी कार है वो भी आपको दिखाता हूँ। बाकी इस गेम का अपडेट कब आएगा वो भी बताने वाला हूँ। तो इस गेम को आपने अभी तक ट्राई नहीं किया तो इस गेम का नाम है इंडियन कार सिमुलेटर 3D प्रो। तो ये प्ले स्टोर पे आपको इजीली गेम मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं बैक करता हूँ, यहाँ पे मेन्यू में आ जाता हूं, आप देख ही पा रहे हैं यहाँ पे मिशन है, इसके अलावा फ्री राइड का ऑप्शन है। यहाँ पे स्कॉर्पियो S11 हमारे किया सेल्टोस है। तो यहाँ पे इस कार को मैं स्पॉन करवा लेता हूँ, आप देख ही पा रहे हैं यहाँ पे मैं आ चुका हूँ विलेज एरिया के अंदर। भाई देख लो क्या ही नेक्स्ट लेवल की लग रही है, सामने नंबर प्लेट पे इंडिया भी लिखा हुआ है और इस साइड पे दो दो फ्लैग लगाए गए हैं। भाई क्या ही नेक्स्ट लेवल के इस गेम के अंदर में फ्लैग देखने को मिलते हैं और ये इंडियन गेम है तो इस गेम में आपको नेक्स्ट लेवल की कार देखने को मिल जाए जो कि इंडियन कार है। बट इस गेम का न्यू अपडेट आ रहा है, उसके अंदर आपको न्यू हॉर्स भी देखने को मिल जाएगा, न्यू कार भी देखने को मिलेगी। जो कार ऐड की गई हमारी फॉर्चुनर कार है, बाकी न्यू हॉर्स भी देखने को मिल जाएगा, न्यू सिटी भी ऐड कर दिया गया। पहले इसके अंदर हमें विलेज एरिया देखने को मिलता है, इसके अलावा इसके अंदर आपको न्यू जो फोन है वो भी ऐड कर दिया गया जिसके चीट कोड के थ्रू आप कार वगैरह स्पॉन करवा सकोगे। बाकी अपडेट की बात की तो अपडेट के ऊपर वर्क चालू है, जैसे अपडेट का वर्क कंप्लीट होगा अपडेट आ जाएगा। तो मिनिमम आपको एक वीक के अंदर अपडेट देखने को मिल जाएगा हमारे इंडियन कार सिमुलेटर 3D प्रो का। जैसे इस गेम का अपडेट आएगा तो इस चैनल पर आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, साथ दिए गए बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो पहले इस गेम के अंदर जो विलेज एरिया मिलता है कुछ इस तरह का, लेकिन इस गेम का अपडेट आ रहा है उसके अंदर आपको न्यू सिटी भी देखने को मिल जाएगा। तो अपडेट को लेकर कितने एक्साइटेड हो जल्दी से कमेंट में बता देना। बाकी आज का गेम प्ले यहीं पे एंड करते हैं, अगर आपने वीडियो एंजॉय किया तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो हम मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।